नमस्कार, आज तक एआई में आप सभी का स्वागत है। मैं एआई एंकर सना आपको बताऊंगी क्रिकेटर मोहम्मद शमी से जुड़ी खबर के बारे में। भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी बुधवार 13 दिसंबर को आज तक एजेंडा प्रोग्राम में भी शामिल हुए। इस दौरान शमी ने कई सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। इसी दौरान उनकी फैन फॉलोइंग को लेकर भी सवाल किया गया, जिस पर शमी ने कहा कि 20 से 50 और अब उनके फैंस हजारों में हो गए हैं। हाल ही में शमी ने अपने इंस्टाग्राम से एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उनके घर के बाहर सैकड़ों फैंस लाइन में लगे नजर आ रहे हैं। ये सभी फैंस शमी के साथ सेल्फी लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे। इन फैंस को चेकिंग के बाद ही एंट्री मिलती है। इस वीडियो और फैन फॉलोइंग को लेकर शमी से सवाल किया गया। इस पर तेज गेंदबाज ने कहा, ये तो बहुत कम है। ये तो तब का है जब मैं जिम से आया था। ये तो शाम हो गई थी। दिन में तो ऐसा लगा जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूं। शमी भाई की जय हो, शमी भाई जिंदाबाद। भाई ये कर रहे हो आप लोग? मैंने कहा कि एक बड़ा सा सर्कल बनाकर सेल्फी ले लो। बोले नहीं भाई, सामने से सेल्फी चाहिए। शमी ने कहा, जब से यह सेल्फी आया है तब से तो खून पी लिया है मेरा। आदमी सामने के कैमरे से फोटो खींचकर संतुष्ट है ही नहीं। इंसानियत से एक फोटो करा दी तो फिर सेल्फी की डिमांड करते हैं, फिर ऊपर के एंगल से लेगा। वो तब तक करते हैं जब तक संतुष्ट नहीं हो जाता। लंबी कतार वाले दिन तो मम्मी भी थीं घर पर। मेरी मम्मी कहीं भी हो, वो गांव पर ही सोती हैं। एक समय शमी ने कहा था कि उनके मन में सुसाइड करने की बात आती थी। इस सवाल पर शमी ने कहा, अब मैं इस पर नहीं सोचता और न सोचने की जरूरत है। हर आदमी की लाइफ में ऐसा फेज जरूर आता है, वो टाइम के बारे में कभी नहीं सोचता। अब मैं आज में जीता हूँ और आज में ही खुश हूँ। एक दिन 20 लोगों से फोटो खिंचवाई, उन्होंने 50 को बोला, फिर 500 हो गए, आज हजारों में हैं। याद है कोविड के जमाने में आपने वहां पर पिच भी बनाई थी, और मुझे याद है एक इंस्टाग्राम लाइव मैंने आपके साथ किया था जहां आपने वो पिच दिखाई भी थी। लेकिन आपने एक बात और बोली थी, शायद यहां पर बैठे लोगों को याद हो या ना हो, आपने कहा था कि एक फेज ऐसा आया मेरी जिंदगी में जहां मैं सुसाइड करना चाहता था। आज पीछे मुड़कर आप इस बात को सोचते हैं कि यार ऐसा क्या हुआ कि मैं इतनी बड़ी बात कर गया? अब नहीं सोचता और ना जरूरत है सोचने की। लेकिन उस दौर से आप कैसे निकले? यार हर आदमी की लाइफ में आता है ना एक फेस। शायद अब सोच वही सोचता हूँ कि शायद वो बैड फेस था या खराब टाइम था या कुछ भी बोल लो उसको, बट अब कभी नहीं सोचता उसके बारे में। अच्छा, मैं वो टाइम के बारे में कभी नहीं सोचता। मैं अब मैं आज में जीता हूँ। आज मुझे पता है ये भैया लोग बैठे हैं, एक दिन पहले दिन बोले जिस दिन वर्ल्ड कप से आया था मैं, अब तो मैं आज में खुश हूँ। पहले दिन आया ये बोले यार थोड़े से लोग हैं, 10-20 लोग हैं, फ़ोटो खिंचा ले। वो हमने खिंचा ली और 20 जन ने 20-20 को फ़ोन किया जाके, वो अगली सुबह में 150 हो गए। अब वो 150 को करा दिया किसी सूरत में, और 150 ने 500 को कर दिया, अब 1000 है। मन्नत के बाहर भी तो ऐसे होता है ना, शाहरुख खान भाई के घर उसमें नहीं जाना। मैं बहुत छोटा आदमी यार, ये कम नहीं है। नहीं, मुझे उतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं बनना है भाई, बट हाँ कोशिश करता हूँ। अगर कोई मुझे प्यार करता है, कोई मेरे साथ पिक्चर खिंचाना चाहता है और मेरे पास टाइम है, तो मैं ज़रूर उसको फ़ोटो खिंचाता हूँ। इवन अगर मैं गाड़ी से निकल भी रहा हूँ, बाहर कुछ लोग हैं, तो जितना पॉसिबल है भाई ले लो 2-4 मिनट, मैं कर लूँगा। वर्ल्ड कप फाइनल के दबाव पर शमी ने कहा, मेरे दोस्त और भाई तो ऐसे हैं कि लोगों को फोन करके बुलाया था, फार्म हाउस पर बड़ी स्क्रीन लगाकर मैच देखा था, मगर मेरी फैमिली ने बहुत कम मैच देखे। दोस्तों से तो मैंने बिल्कुल सख्त मना कर दिया था कि जब भी घर आऊं तो क्रिकेट पर बात मत करना, क्योंकि इतना काफी ज्यादा हो जाता है और फाइनल का दबाव तो जरूर होता है। बता दें कि ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने कहर मचा दिया था। शमी शुरुआती 4 मैचों में नहीं खेल पाए थे। इसके बाद उन्हें मौका मिला तो उन्होंने टूर्नामेंट के बाकी 7 मुकाबलों में कहर बरपा दिया। इस दौरान शमी ने 5.26 की औसत से सबसे ज्यादा 34 विकेट लिए थे। आपको ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।